किसान साथी नमस्कार। किसान न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आज 11 अक्टूबर है और गाजीपुर मंडी का अपडेट लेकर हम आप लोगों के बीच में हैं। तो तरुण भाई से जानते हैं आज के बाजार क्या रहने वाले हैं। तरुण भाई स्वागत है किसान न्यूज पर। धन्यवाद सर जी, सभी किसान व्यापारी भाइयों को राम राम। तरुण भाई टमाटर की क्या पोजीशन है? टमाटर सर बिका है आपका 350 रुपए के आसपास बिका है जी, हाईएस्ट 400 रुपए का कुछ थोड़ा बहुत, नहीं तो 300 साढ़े 300 रुपए बढ़िया टमाटर। ठीक है। शिमला मिर्च? शिमला मिर्च की पोजीशन रही है जी 50 रुपए के आसपास। बीन? बीन की पोजीशन है जी आपका 50 रुपए से लेके 60 रुपए तक। लोबिया? लोबिया की पोजीशन 25-30 रुपए। मक्की? मक्की की पोजीशन 12 रुपए। पुदीना? पुदीने की पोजीशन 20-30 रुपए। गाजर? गाजर की पोजीशन 25 रुपए के आसपास। लोबिया? लोबिया की पोजीशन है 25 रुपए के आसपास। बंद गोभी? बंद गोभी बिकी है सर 800 रुपए से लेकर के 1100 रुपए तक का कट्टा बिका है। फूल गोभी? फूल गोभी की पोजीशन है जी 30 रुपए से लेकर 38 रुपए तक के बढ़िया फूल गोभी के बाजार हैं। ब्रोकली? जी ब्रोकली की पोजीशन है जी करीब करीब 80 से 100 रुपए। हरा धनिया? हरे धनिया की पोजीशन 80-100 रुपए। मटर? मटर की पोजीशन जी आपकी मिनिमम 100 रुपए ऊपर में 130 रुपए। कद्दू? कद्दू की पोजीशन है जी आपकी 10 रुपए जमीन वाला और जाल वाला 15-16 रुपए। बैंगन? बैंगन की पोजीशन आप मान के चलो जी, अब बैंगन कई प्रकार के हैं सर। चूचू बैंगन है वो बिक रहा है 20-22 रुपए का जी, और उसमें जो लंबा काला बैंगन है वो बिक रहा है अपना 20-20 रुपए का, और अपना कंचन 75 है वो बिक रहा है सर 750-800 रुपए का कट्टा, जी और एक हरा लंबा बैंगन है वो बिक रहा है 18-20 रुपए का। खीरा? खीरे की पोजीशन है 25-30 रुपए सर। घिया? घी की पोजीशन है जी आप 12 रुपए से 15-16 रुपए तक मान के चलो आप। मूली? मूली की पोजीशन है 12-13 रुपए बढ़िया माल की और हल्की 10 रुपए तक। भिंडी? भिंडी की पोजीशन 25 रुपए के आसपास। तेज मिर्च? तेज मिर्च की पोजीशन है जी 40 रुपए से लेकर 60 रुपए तक। अचारी मिर्च? अचारी मिर्च की भी पोजीशन 40-42-45 ये चल रही है। ठीक। करेला? करेले की पोजीशन है 20-25 रुपए। अरबी? अरबी की पोजीशन है सर 34 रुपए से लेकर के 40-42 रुपए तक। अदरक? अदरक की पोजीशन तो वही है जी 80-90 रुपए तो बिक रही है अपना झुली हुई जी, और बाकी जो पुरानी अदरक है बढ़िया अदरक है वो बिक रही है अपना 150-160-140 रुपए ऐसे। नींबू? नींबू की पोजीशन है जी अपना 50 रुपए। पालक? पालक है जी अपना 20 रुपए किलो 22 रुपए किलो। मेथी? मेथी सर बढ़िया अगर मेथी है तो 60-70 रुपए जी। चुकंदर? चुकंदर वो ये है सर 20-22 रुपए का इंदौर वाला है, बाकी लोकल तो अपना ये समझ के चलो आप करीब करीब 18-20 रुपए का वो भी मान के चलो 18 रुपए का। गवार फली? गवार फली जी 25-30 रुपए अपना हाईब्रिड है और देसी जो है वो 30 रुपए के आसपास। ककोड़ा? ककोड़े की पोजीशन है जी आपको मान के चलो 40-60 रुपए किलो। ड्रमस्टिक? ड्रमस्टिक की पोजीशन 50-60 रुपए। कुंदरू? कुंदरू कुंदरू की पोजीशन है जी आपकी 18-20 रुपए 22 रुपए तक जी। हाँ देसी परवल तो है 25-30 रुपए के बीच में बिक रही है सर, हाईब्रिड अपना ये समझो आप करीब करीब वही 25 रुपए के आसपास 20-25। कटहल? कटहल तो है नहीं, बाकी कटहल आएगी तो उसकी पोजीशन ये मान के चलो आप 40 रुपए किलो के आसपास। काली तोरी? काली तोरी जी अपना 12-15 रुपए की पन्नी वाली बिक रही है, डब्बे वाली बिक रही है अपना 25 रुपए की बढ़िया तोरी जी। जुगनी? जुगनी जुगनी की पोजीशन 40-50 रुपए। एक झींगा तोरी भी आती है सर, झींगा तोरी का बाजार है 18-20 रुपए किलो का जी। कचरी? जी कचरी अपनी मंडी में नहीं आ रही, अगर आएगी तो करीब करीब ऐसे मान के चलना 20-25 रुपए किलो जी। हरा प्याज? हरे प्याज की पोजीशन है जी लोकल तो बिका है अपना 50 रुपए से लेकर के 65 रुपए तक, और जो राजस्थान का प्याज है उसकी पोजीशन मान के चलना 30 रुपए के आसपास है। हरा टिंडा? हरे टिंडे की वो बोली पे बिक रहा है टिंडा लोकल आ रहा है, उसकी पोजीशन रही है जी आज 35 रुपए से लेकर के 45 रुपए तक। मशरूम? मशरूम में बाजार 120 से लेकर के 130 रुपए बढ़िया। आलू जी? आलू? आलू की पोजीशन है सर ये अपना 50 किलो की भर्ती के रेट है आलू के कट्टों के जी, ये मिनिमम 450-500 रुपए से लेकर के अपना वही 850 रुपए तक के आलू है। ठीक है। प्याज? प्याज में पोजीशन आप मान के चलो जी करीब करीब 20-22 रुपए में 18 से लेकर 22 रुपए तक हल्के प्याज हैं, बढ़िया प्याज हैं आपके 25 रुपए से लेकर के 27-28 रुपए तक के जी। लहसुन? लहसुन की पोजीशन है जी अपना 100 रुपए से लेकर के 120-130 रुपए जी। तरुण भाई लास्ट में मोबाइल नंबर शॉप नंबर?
जी, शॉप नंबर 166 न्यू सब्जी मंडी गाजीपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर है सर 9625232695। जी सभी किसान व्यापारी भाइयों को राम राम। थैंक चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर भाई। यू सर जी।